व्हाट्सअप आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं एक अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आज आप देख रहे हैं, हम लोग इसमें नई विजय कुसमा में हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और इनका सितंबर 1916 को हुआ था। और जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे बड़े भाई लोग, भैया लोग और गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्ति लोग हैं जो उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो कि हमारे भारत के महान शख्सियत में इनकी गिनती होती है। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कुछ भैया से। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आप लोग बर्थडे मना रहे हैं जी। भैया आपका सुभाष पाठक जी। हम भारतीय जनता पार्टी के जो है मंडल के महामंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस मना रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर इनके जो है अंत्योदय के प्रणेता हैं। इन्होंने जो है समाज के अंतिम पावदान पे खड़े हुए व्यक्ति को जब तक सारी सुख सुविधा व्यवस्था मुहैया न कराई जाए तब तक राजनीति का कोई अर्थ नहीं होता है। इन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अंत्योदय के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का कल्याण कर रहे हैं। उसमें इनकी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके चरणों में शत शत नमन करते हुए इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद भैया, भारत माता की जय। देखा अभी भैया से उन्होंने बात किया जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में दो शब्द अपने रखे, और हम लोग भी जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और आइए और लोग से मिलते हैं, बुजुर्ग लोग से। क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार चौरसिया। गायक है? क्या गायक भी है क्या? जी हम लोग। अच्छा लोकगीत। अच्छा थोड़ा सा आप भी दो वर्ड कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल। विगत वर्षों की बात, इस वर्ष भी अपने पुनरावृत्ति के इतिहास को कायम रखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस के रूप में 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंतर्गत में हमारे देश को बहुत आगे ले जाने का जो विचारधारा हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के देखरेख में जो हम लोगों के बीच दिशा निर्देश दिया, और हम ग्राम सभा कुसमा के बड़े ही और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सोनभद्र विरहा संघ के महामंत्री गायक विनोद कुमार चौरसिया आकाशवाणी दूरदर्शन लोक संगीत से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं और पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के दिशा निर्देश से चल करके इस देश को आगे बढ़ाने का जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर। और इनके मार्गदर्शन पर हम लोग चल रहे हैं, उनकी विचारधाराओं को अब हम लोग फिर एक बार फैलाने का काम करेंगे, है ना? ओके थैंक यू भैया। अब भैया नाम बताइए अपना। मुकेश विश्वकर्मा। बूथ संख्या 100 के बूथ अध्यक्ष हैं जी। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर सच्ची श्रद्धा अंजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्य नेतृत्व में आज मन की बात भी हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल। और थोड़ा सा क्या मुझे आप बता पाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कोई एक कहानी का नाम वगैरह? ये चीज देख के बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे हमारे भारतवर्ष के महान पुरुषों को लोग धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं, बस किताब के पन्नों तक ही सीमित रह गए हैं, जो कि आज हमारे गांव में कुसमा गांव में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये माहौल बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम अभी कुछ ऐसे हैं अपने भारत में
जो कि अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये चाहे महान पे याद करते हैं, उनके पद चिन्हों पे चलने का कार्य कर रहे हैं और गांव के बीच में गांव में जा जाके गांव को अवेयरनेस कराने का, जागरूक कराने का कार्य कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।